एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में ना हम लोग शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड की इंग्लिश की जो न्यू बुक है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इसका नाम क्या है? बादल एंड मोती। अब ये बादल कौन है, ये मोती कौन है, चलो इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं। अगर आप लोगों ने जो उससे प्रीवियस वाली वीडियोज है आपके प्रीवियस चैप्टर्स की, अगर आप लोगों ने वो ना देखी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, आपकी क्लास थर्ड की इंग्लिश का, आप उन वीडियोज को चेकआउट कर सकते हो। हम लोग अपनी वीडियोज में चैप्टर को कम से कम टाइम में कम्प्लीट करते हैं, उसी में उसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ कम्प्लीट करते हुए चलते हैं। तो चलो अपनी आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 है बादल एंड मोती। अब आप लोग सोच रहे हो ये बादल कौन है, ये मोती कौन है, तो मैं एक बार आपको बता दूं, जो बादल है ये इस बच्चे का नाम है, जो लड़का है, और जो ये मोती है ये इस बेबी का नाम है, जो ये पपी है ना, इसके हाथ में डॉग का बेबी होता है उसे हम कहते हैं पपी, तो इस पपी का नाम है मोती। अब ये कैसे मिले आपस में, चलो देखते हैं। ओके, हम लोग पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर हम उसका हिंदी मतलब समझेंगे, ठीक है? शुरू करते हैं। ओके, देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। आप लोग मेरे साथ साथ इसको पढ़ना, ठीक है? देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल, ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज एंड दे वर वेरी हैप्पी। वन इवनिंग व्हेन बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, ही सॉ अ पपी शिवरिंग इन द कोल्ड। देखो यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, ध्यान से पढ़ो। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल, एक बार एक लड़का था जिसका नाम क्या था, बादल। एक बार एक लड़का था जिसका नाम था बादल, वो अपनी मम्मी के साथ रहता था। He lived with his mother, वो अपनी मम्मी के साथ रहता था। इन अ विलेज, कहाँ पर, एक गाँव में। एंड दे वर वेरी हैप्पी, और वो आपस में साथ में बहुत खुश थे, ठीक है? वन इवनिंग, एक शाम को क्या हुआ, वेन बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब बादल स्कूल से रिटर्न हो रहा था। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस, यानी कि जब स्कूल से बादल वापस आ रहा था, एक शाम को क्या हुआ, ही सॉ, उसने देखा, क्या देखा, एक पपी शिवरिंग इन द कोल्ड। एक पपी था, या पपी यानी कि डॉग का जो बच्चा होता है उसे हम बोलते हैं पपी, तो वो कोल्ड यानी कि ठंड में, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, तो वो जो पपी था ये कांप रहा था ठंड में, ना ऐसा होता है ना, डॉग जो आप देखते हो बच्चे से कांप रहे होते हैं ठंड में, क्योंकि उन्हें ठंड लगी होती है, खुले में होते हैं, कपड़े नहीं होते उनके पास, इसीलिए। यहाँ पर क्या है कि एक बार एक लड़का था जिसका नाम था बादल, वो अपनी मम्मी के साथ रहता था एक गांव में, वो आपस में बहुत खुश थे। एक शाम को जब बादल स्कूल से घर आ रहा था, उसने एक पपी देखा जो कि ठंड में कांप रहा था, ठीक है? यहाँ तक समझ आया? आगे देखो, कहाँ पे देखो ना, वो गांव में है, स्कूल से आ रहा है, बसता है, इसके पास बैग है, उस टाइम पे ऐसे बैग होते थे, ये पपी है जिसने उठाया फिर गोद में। देखो फिर क्या होता है, आगे देखते हैं। देखो स्कूल के शूज, स्कूल की यूनिफॉर्म है, ठीक है? फिर देखो, बादल ब्रॉट हिम होम, कैन दिस पपी स्टे विद अस, माँ आस्क बादल। यस बेटा, बट ओनली इफ यू प्रोमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी, सैड हिज मदर विद अ स्माइल। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। चलो पहले यहाँ तक पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, बादल ब्रॉट हिम होम, बादल ने जो पपी को उठाया था तो बादल उसको घर ले आया। ब्रॉट का मतलब क्या होता है, लेकर आना, कहाँ पर, होम यानी कि घर में, तो बादल जो है उस पपी को अपने घर ले आया। अच्छा फिर देखो क्या कह रहा है, कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ आस्क बादल। अब बादल जो है पूछ रहा है किससे, अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है। स्टे विद अस का मतलब क्या होता है, हमारे साथ रहना, तो क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है माँ, अपनी माँ से बादल पूछ रहा है। अब मम्मी क्या कह रही होंगी, देखो यस बेटा, बट ओनली इफ यू प्रोमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। अब देखो मम्मी कह रही है उसकी माँ कह रही है कि हाँ बेटा बिल्कुल रह सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम मुझे प्रोमिस करो, यानी कि जब आप मुझसे वादा करो कि आप उस पपी का ध्यान रखोगे। टेक केयर का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, तो जो उसकी माँ कह रही है कि भाई ठीक है बिल्कुल आप रख सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब आप मुझसे वादा करो कि आप इस पपी का ध्यान रखोगे, है ना, ऐसा होता है ना, ठीक है? उसकी मामा है, वो कह रही है स्माइल के साथ, स्माइल कर रही है और हंसते हंसते स्माइल करते हुए कह रही है खुशी से, बादल एंड हिज मदर नेम द पपी मोती। अब जो बादल है
और उसकी मम्मा है, उन दोनों ने मिलकर उस बेबी का नाम, उस पापी का नाम क्या रखा? मोती। उस चैप्टर का नाम क्या है? बादल एंड मोती। ठीक है, चलो आगे देते हैं। As days went by, मोती grew up and loved बादल। ठीक है, they became best friends, they ate and played together. मोती followed बादल wherever he went. They played their favorite games together. देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे दिन बीते गए, as days went by, यानी कि जैसे जैसे दिन बीते गए, मोती बड़ा होता गया। मोती बड़ा होगी तो थोड़ा सा, मोती जो बच्चा है बेशक वो बेबी है, पापी है, लेकिन पप भी तो बड़े होते हैं ना, फिर डॉग भी तो वही बनते हैं। ऐसे मोती बड़ा होता गया एंड लव्ड बादल, और बादल से बहुत प्यार करने लगा। होता है ना, डॉग्स बहुत वफादार होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं। ठीक है, दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, वो बहुत सच्चे दोस्त बन गए, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। कौन कौन? बादल और मोती, वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। दे एट एंड प्ले टुगेदर, एट का मतलब क्या होता है? ईट, एट, एट, ये उसके फुल फॉर्म है। ठीक है, ईट, ईटन, एट, ऐसे करके होता है ये, तो वहां पे यानी खाना। तो क्या कह रहे हैं कि वो साथ में खाते थे, साथ में खेलते थे, यानी कि दे एट, वो साथ में खाते थे एंड प्लेड, और साथ में खेलते थे टुगेदर, यानी कि साथ। ठीक है, मोती जो है बादल को फॉलो करता था वेयर एवर ही वेंट, यानी कि ऐसा होता है ना कि जहां जहां मालिक चलता है डॉग्स जो है पीछे पीछे चलते हैं, क्यों? क्योंकि उनको फॉलो करते हैं। तो यानी कि जो मोती है वो भी जहां जहां बादल जाता था, मोती उसके पीछे पीछे आ जाता था। ठीक है, दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर, उन्होंने साथ में अपने फेवरेट गेम्स खेले, अपने साथ में वो फेवरेट गेम्स खेलते थे। एक बार देखते हैं हमने अभी क्या पढ़ा, कि जो बादल था वो उस पापी को घर पे लेके आया, और घर पे लाने के बाद उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या ये पापी हमारे साथ रह सकता है? तो माँ ने कहा हाँ बेटा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम मुझे प्रॉमिस करो, वादा करो कि तुम इसका ध्यान रखोगे, है ना। वरना क्या पता वो खाना भी नहीं दे रहा, उसका पानी नहीं दे रहा, दूध नहीं दे रहा, तो वो डॉग बेकार हो जाएगा, पापी बेकार हो जाएगा। इसलिए मम्मा ने बोला कि ठीक है, लेकिन तब जब आप उसका ध्यान रखो। भाई उसने कहा ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, तो मतलब ये हमारे साथ रह सकता है। उसके बाद बादल ने और उसके मम्मा ने दोनों ने मिलकर उस पप्पी का नाम रखा मोती। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि जैसे जैसे दिन बीते गए, जो मोती था वो बड़ा हो गया और बादल से बहुत प्यार करने लगा। दोनों जो है बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, साथ में खाते थे, साथ में खेलते थे, साथ में अपने फेवरेट गेम्स भी खेलते थे, और जहां जहां बादल जाता था मोती उसके पीछे 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 आता था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे करके बादल पूछ रहा है अपनी माँ से, पपी हाथ में लेकर। यहाँ पे देखो आप लोग ऐसे आपस में देखो खेल रहे हैं, फेवरेट गेम्स है, वो लोग खेल रहे हैं साथ साथ। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। वन रेनी डे व्हाइल बादल वाज ऑन हिज वे फ्रॉम स्कूल, ही स्लिप्ड ऑन द मडी लेन एंड फेल इनटू अ डीप पिट। ही ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट। बादल्स मदर वाज वरीड when he did not come home in time. Moti too was waiting at the gate. Badal's mother gathered the neighbors to help search for him. Moti too accompanied them. देखो क्या लिखा है, एक रेनी डे, रेनी डे मतलब देखो बारिश हो रही है। फोटो आप देख रहे हो यहाँ पर, क्या हो रहा है? देखो बारिश हो रही है ना यहाँ पर, तो रेनी का मतलब क्या होता है? बारिश। एक दिन जब काफी बारिश हो रही थी, भाई बादल वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल, यानी कि जो बादल है वो स्कूल से घर के रास्ते में आ ही रहा था, यानी कि जैसे पहले आ रहा था ऐसे ही जो बादल है वो अभी स्कूल से घर पे जा ही रहा था। ही स्लिप्ड ऑन द मडी लेन, यानी कि जो ऐसे कीचड़ भरी लाइन थी ना, कीचड़ भरा रोड था, कुछ ऐसा था, उस पर वो गिर गया, स्लिप हो गया। ऐसा होता है ना बारिश में आप स्लिप हो जाते हो, वो स्लिप हो गया एकदम से। ठीक है, एंड फेल इनटू अ डीप पिट, देखो मान लो कि यहाँ पर ऐसे स्लिप हुआ, यहाँ पर एकदम से वो गिर गया। फेल का मतलब क्या होता है? गिरना। इनटू अ डीप, डीप का मतलब गहरा, और पिट यानी कि गड्ढा। तो देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर गिरा होगा एकदम से, यहाँ पर वो स्लिप हुआ ऐसे करके और फटाक से नीचे चला गया, यानी कि ऐसे करके यहाँ पे स्लिप हुआ एंड देन उसके बाद वो नीचे गिर गया। आप देखो यहाँ पर एक बार दोबारा देखो, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे देखो, अगर वो यहाँ पर गिरा होगा, यहाँ पर गिरने के बाद वो एकदम से यहाँ पर स्लिप हो गया, स्लिप हुआ एंड देन वो गिर गया एकदम से गड्ढे में। डीप है, देखो गहरा गड्ढा है, कितना है ना, आप कैसे निकल पाओगे? अगर आप छोटे से बच्चे हो, इतना बड़ा गड्ढा है, आप कैसे निकलोगे? नहीं निकल पाओगे। यहाँ पर जो ये बादल था, ये भी एक बार स्कूल से घर जा रहा था, काफी बारिश वाला दिन था, तो काफी मडी यानी कि बहुत कीचड़ वाली लाइन हो रखी थी, वो कीचड़ वाला रास्ता हो रखा था,
जो रास्ता था वो कीचड़ का था। उस टाइम पे क्या हुआ, जो बादल था वो स्लिप हो गया एकदम से, और स्लिप होने के बाद वो गिर गया नीचे, कहाँ पर, एक गहरे से गड्ढे में। ठीक है, ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत ट्राई करा, बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, लेकिन वो उस गड्ढे से बाहर ही नहीं आ पाया, क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा था और बादल तो अभी थर्ड क्लास में है, इसलिए वो बाहर नहीं आ पाया। बादल्स मदर वॉज वरिड, बादल की जो मम्मा थी बहुत चिंता हो गई। अगर आप लोग थोड़ा भी लेट हो जाओ स्कूल ट्यूशन से आने में, आपकी मम्मा चिंता करती है ना, ऐसे जो बादल की मम्मा थी बहुत चिंता करने लग गई। वरिड का मतलब क्या होता है, चिंता करना। When he did not come home in time, जब वो टाइम पर घर नहीं आया, होता है ना, आप टाइम पे घर नहीं आओगे तो मम्मा चिंता करेंगी, तो वही कर रही है बादल की मम्मा भी। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट, अब देखो क्योंकि मोती उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो मोती भी गेट पे खड़ा खड़ा उसका वेट कर रहा है, कब बादल आएगा, कब खेलेंगे, कब बादल आएगा, यानी कि जो मोती है वो भी उसका वेट कर रहा है गेट पे खड़ा खड़ा। मम्मा भी चिंता में है उसकी। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम, जो बादल की मम्मा थी उन्होंने नेबर्स यानी कि जो पड़ोसी होते हैं उनको गैदर किया, यानी कि उनको इकट्ठा किया। तो जो बादल की जो मम्मा थी उन्होंने आस पास के पड़ोसी जो थे उन सबको इकट्ठा करा, क्यों, ताकि वो सब मिलकर सर्च कर सके, यानी कि ढूंढ सके बादल को, इसलिए उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया। मोती टू अकम्पनीड देम, मोती भी उन सबके साथ गया, मोती ने भी उनका साथ दिया। फिर देखो क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर ये देखो आए सबके सब, मोती भी यहाँ पर है, रस्सी है ये फेंक रहे हैं ना, ऐसा कुछ हो रहा है। देखो क्या है, मोती कॉट बादल सेंट, He followed the scent and went near the pit and started barking. This alerted the neighbors who were searching for Badal. They used a rope to pull Badal out of the pit. Everyone was relieved. Badal hugged and thanked Moti. देखो क्या हो रहा है, कि जो मोती था क्योंकि वो एक डॉग था, उसने सेंट का मतलब क्या है, जो खुशबू होते हैं ना, ऐसा होता है ना कि जो डॉग्स होते हैं वो एक बार सूंघ लेंगे आपको एंड देन फिर पहुंच जाएंगे आपके पास, ऐसा ही। तो जो मोती था उसने बादल को सूंघ उसकी पकड़ ली थी, उसके साथ रहता था, जानता है उसको, तो उसकी सूंघ भी उसने पकड़ ली, और जब सूंघ पकड़ी तो वो एकदम से उस सूंघ को फॉलो करता करता, होता है ना, सूंघ को फॉलो करते करते वो लोग पहुंच जाते हैं वहां तक, ऐसे ही उसने उस सूंघ को पकड़ा, सूंघ पकड़ी और सूंघ लेने के बाद उसने उसको उस सेंट को उस सूंघ को फॉलो करता गया वो, एंड वेंट नियर द पिट, और उस गड्ढे के पास पहुंच गया, उसको दिख गया अब तो यहाँ पर बादल फंस रहा है, अब पहुंच गया वहां पर, अब वो बोल तो सकता नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो भौंक रहा है, भांसा कर स्टार्टेड बार्किंग, उसने भौंकना शुरू कर दिया। दिस अलर्टेड द नेबर्स हु वर सर्चिंग फॉर बादल, अब भाई इससे जो है जो आसपास पड़ोसी थे उन सबको अलर्ट लग गया, भाई ये क्यों भौंक रहा है एकदम से गड्ढे के पास, इसलिए वो सब क्या अलर्ट हो गए वो सब भी। ठीक है, दे यूज अ रोप, उन्होंने एक रस्सी का इस्तेमाल करा, एक रोप का मतलब क्या होता है, रस्सी, देखो ये फेंक रहे हैं रस्सी, देखो ये नेबर है और ये रस्सी फेंक रहे हैं, ठीक है, तो क्या करा उन्होंने एक रस्सी का इस्तेमाल करा टू पुल, यानी कि खींच सके, पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, ताकि बादल को खींच सके आउट ऑफ द पिट, गड्ढे के बाहर। फाइनली बादल बाहर आ जाता है, एवरीवन वाज रिलीव्ड, सब शांत हो जाते हैं, सबको सुकून मिल जाता है, बादल हग करता है और मोती को बहुत थैंक यू बोलता है, क्योंकि एट द एंड मोती ने हेल्प करी ना उसकी। ठीक है, एंड दैट्स हाउ आपके चैप्टर खत्म हो, एक बार देख लिया हमने क्या पढ़ा, चलो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, शुरुआत से बताऊँ अगर आपको, एक बार एक लड़का था बादल, उसकी मम्मा के साथ वो रहता था गाँव में, वो लोग बहुत खुश रहते थे। एक शाम जब बादल जो है स्कूल से घर आ रहा था, उसने एक पापी को देखा जो कि ठंड में कांप रहा था, वो उस पापी को घर ले आया और अपनी मम्मा से आकर पूछा कि मम्मा क्या ये पापी हमारे साथ रह सकता है, उसकी मम्मा ने बोला हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उससे वादा करो कि तुम इसका ध्यान रखोगे, उसने कहा हाँ ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, इन दोनों ने मम्मा और बेटे ने इसका नाम मिलकर मोती रख दिया। जैसे दिन बीते गए मोती बहुत बड़ा होता गया और बादल से बहुत प्यार करने लग गया, ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, दोनों बहुत खुश रहते थे, साथ में खेलते थे, साथ में खाते थे, सब कुछ साथ साथ करते थे। मोती को इवन ना जो बादल था, बादल को फॉलो करता करता मोती उसके पीछे पीछे चला जाता था। एक बार क्या हुआ कि जब बारिश हो रही थी, बहुत बारिश का दिन था, और जो बादल स्कूल से घर आ रहा था उस समय पर एक बहुत कीचड़ भरा रास्ता था, वहां पर जो बादल था वो स्लिप हो गया एकदम से, और स्लिप होते ही वो गड्ढे में, बहुत गहरा गड्ढा था वहां पर,
गिर गए। अब अगर गिर गया तो वो गड्ढे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। और वहां पे जो उसकी मम्मा है बादल की, वो इंतजार कर रही है कि भाई बादल अभी तक आए नहीं है घर पे, बहुत टाइम हो गया अभी तक पहुंचा नहीं है। तो मोती की जो बादल की मम्मा है वो बहुत चिंता कर रही है और मोती खुद बादल का वेट कर रहा है गेट पे बैठा बैठा। फिर जो बादल की मम्मा थी उन्होंने आसपास के पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया ताकि वो बादल को ढूंढ सके। और उन्होंने फिर जो मोती था उन सब उन्होंने उसका साथ दिया। फिर क्या हुआ कि जो मोती था उसने बादल को सूंघ लिया और सूंघते सूंघते वो पहुंच गया उस गड्ढे के पास। अब गड्ढे के पास जाकर वो बोल तो सकता नहीं है कि भाई मोती यहाँ पर है, तो वो भौंकना शुरू कर दिया उसने। और जब उसने भौंका तो जो आसपास के पड़ोसी थे वो सब अलर्ट हो गए कि यहाँ पर क्या है जो ये कुत्ता भौंक रहा है। वो आपस में वो आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर बादल अटका हुआ है, उन सब ने रस्सी फेंकी और रस्सी से उस बादल को खींच लिया। और बाद में ये लोग बहुत खुश खुश रहे, बहुत शांत हो गए, मोती को थैंक यू भी कहा, बादल ने उसको हग कर लिया। और यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, समझ में आ गई, खूब आपको क्लियर हो गया। हाँ, फटाफट से हम लोग देते हैं इसकी एक्सरसाइज। चलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट डिड बादल केम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड। उसको रोड पे, रोड के साइड में क्या दिखा था बादल को? पपी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, बादल केम अक्रॉस अ शिवरिंग पपी, कांपता हुआ पपी था बाय द साइड ऑफ द रोड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पपी। जो बादल था और जो उसकी मम्मा थी उन्होंने उस पपी का नाम क्या रखा? तो बादल एंड हिज मदर नेम द पपी मोती। क्या नाम रखा? मोती। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड बादल फेल इनटू। बादल किसमें गिर गया था? एक गड्ढे में, डीप गड्ढे में। क्या लिखेंगे? बादल फेल इनटू अ डीप पिट, गहरा गड्ढा। फोर्थ देखते हैं, हाउ डिड मोती फाइंड बादल। मोती को बादल कैसे, मोती ने बादल को ढूंढा कैसे उसके सेंट को फॉलो करके। क्या लिखेंगे? मोती फाउंड बादल विद द हेल्प ऑफ बादल सेंट, उसके सेंट को, उसकी खुशबू को सूंघ को फॉलो करके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, ट्रू फॉल्स देखते हैं, ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। फॉल्स देखते हैं, बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर। क्या बादल अपनी दादी माँ के साथ रहता था या फिर माँ के साथ सिर्फ? तो हम लिखेंगे ये फॉल्स है क्योंकि बादल सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता था, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, मोती ग्रू अप एंड लव बादल। मोती बड़ा हुआ और बादल से बहुत प्यार किया। हाँ बिल्कुल ही किया, तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रू है। थर्ड, बादल्स मदर वॉज वरिड वेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। भाई बादल की मम्मा वरिड थी ना, चिंता में थी जब बादल टाइम पे घर पे नहीं आया था, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। मोती कॉट बादल्स फोटो। क्या मोती ने बादल की फोटो पकड़ी थी या फिर उसकी सेंट, उसकी सुगंध, उसकी खुशबू उसको सूंघा था? तो क्या लिखेंगे? बादल की सेंट ना कि फोटो, तो ये क्या गलत हो जाएगा, हमारा ये वाला भी गलत था। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये वाला फॉल्स हो गया। बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक यू। भाई बादल ने अपने पपी को, मोती को हग किया था, थैंक यू बोला था, है ना, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। आपको थिंक, आपको सोचना है और आपने आसपास आपके से फ्रेंड्स में डिस्कस करना है। देखो पहला क्या है, डू यू रिमेम्बर व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम। आपको याद है आप लास्ट टाइम कब गिरे थे? ठीक है, हाउ डिड यू फॉल, कैसे गिरे थे? हु पिक्ड यू अप, आपको किसने उठाया था? आपको अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है, यानी कि आपको याद है आप लास्ट टाइम कब गिरे थे, कहाँ गिरे थे, किसने आपको उठाया, ये सब चीजें आप शेयर करो। ओके, सेकेंड, डू यू हैव अ पेट। क्या आपके पास कोई पेट है, डॉग, कैट, स्पैरो, कुछ भी? और अगर है तो डू यू नो समवन हु हैज पेट। अगर आपके पास नहीं है तो क्या आप किसी और को जानते हो जिसके पास पेट हो, वो बताना है। थर्ड, इफ यू वर अलाउड टू कीप एनी एनिमल एज पेट, व्हिच एनिमल वुड यू चूज। अगर आपके पास अभी कोई पेट नहीं है लेकिन आपको अगर चॉइस मिले कि आप कोई ना कोई जानवर को पाल सकते हो, पेट बना सकते हो, आप किसको बनाओ, ये आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम लेसन। अब आपको क्या करना है, नोटिस दैट ऑल दीज वर्ड्स एंड विद ईडी। आप यहाँ पे देखो सारे ही वर्ड्स ईडी से एंड हो रहे हैं, यहाँ पे देखो सारे ही वर्ड्स ईडी, लास्ट में क्या लग रहा है, सबके ईडी लग रहा है ना, हैंग्ड, ईडी, ऐसे करके। All these actions have already happened. अब आपको क्या करना है, इनके बाद में ईडी लगाकर बस इनको लिखना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो वॉक है प्लस ईडी करोगे वॉक बन जाएगा, प्ले है प्लस ईडी करोगे प्लेट बन जाएगा, टॉक है प्लस ईडी करेंगे टॉक्ड बन जाएगा, आस्क है प्लस ईडी लिखना है बस हमें और यहाँ पर आस्क्ड बन जाएगा, टच है प्लस ईडी लिखना है बस आपको यहाँ आगे तो टच्ड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं, हम छोटे से फटाफट से करते हैं इसको। आपको मैच करना है इनके पेयर्स बनाने के लिए सेम कलर से। देखो
विद सेम कलर. येलो को आप येलो से मैच करोगे, ब्लू को ब्लू से, ऐसे करके. ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है आपका पेपर. पेपर से क्या बनेगा, पेपर और पेंसिल. पेपर पे कैसे लिखोगे, पेंसिल से, तो पेपर और पेंसिल ये पेयर हो गए. चेयर और टेबल, चेयर और टेबल ये पेयर हो गया. बैट और बॉल होगा ना, बॉल का देखो ये ब्लू और ये ब्लू. मेरे पास कलर नहीं था, मैं मार्क कर रहा है उसको ब्लू ब्लू से. नेटल देखो ब्लैक कलर से कर रखी, और थ्रेड, नेटल यानी कि सुई, और थ्रेड यानी कि धागा. सुई धागा साथ साथ पेयर है इनका, तो आप इसको कर दो एक साथ, एक कलर से करना. लॉक यानी कि ताला, ताले की क्या चाहिए हमें, चाबी, तो ये रहा रेड कलर से. मैं दोनों कर रखा है इनको वाइन से. इडली, इडली के साथ क्या चाहिए होती है, सांबर. देखो सांबर ये रिंग, दोनों को मैंने रेड रेड कर दिया. आप ऐसे ही सेम कलर से इनको फिल कर सकते हो, पेयर्स बनाने. ठीक है, चलो आगे देखिए. ओके, देखो योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी ऑफ बादल एंड मोती वंस अगेन. जैसे हमने एक बार दोबारा से बादल और मोती की स्टोरी हमने दोबारा पढ़ी थी ना अभी, अब आपको इन सेंटेंसेस को रीड करना है और इनको इनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाना है. सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यानी कि पहला पहला पहले कौन सी चीज हुई, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे करके आपको इसको लगाना है. देखो देखते हैं, हमने यहाँ पर फर्स्ट क्या है, देखो बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड. कि जो बादल था उसने क्या देखा कि उसके रोड के साइड में पपी था, सबसे पहले चीज वो हुई. देखो फिर दूसरा क्या हुआ, बादल एंड हिज मदर नेम द पपी मोती. बादल ने उसकी मम्मा ने उस पपी का नाम क्या रखा, मोती रखा. ये हुआ सेकंड. फिर देखो थर्ड क्या हुआ, और वन रेनी डे ही स्लिप्ड, जो बादल था वो गिर गया था, स्लिप हो गया था और फिर फेल हो गया, यानी कि गिर गया बाद में, पहले स्लिप हुआ फिसला एंड देन बाद में वो गिर गया, कहाँ पर, गहरे गड्ढे में. ये थर्ड पे हुआ. फिर क्या हुआ फोर्थ में, मोती एकम्पनीड बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम. फिर मोती उसको ढूंढने के लिए गया था ना उसकी बादल की मम्मा के साथ. फिर बाद में क्या हुआ था फिफ्थ पे, कि मोती ने बादल की जो खुशबू थी उसको सूंघा और बाद में गड्ढे के पास जाके खड़ा हो गया, वहां तक पहुंच गया और वहां जाके बात करना शुरू कर दिया, यानी कि भौंकना शुरू कर दिया. तो फिफ्थ पे ये हुआ. और लास्ट में क्या हुआ कि बादल और मोती ने हग कर लिया आपस में, सिक्स्थ पे ये हुआ. आप इसको ऐसे करके मार्क कर सकते हो कि पहले क्या हुआ, फिर दूसरा क्या हुआ, फिर तीसरा क्या हुआ, फिर चौथा क्या हुआ, पांचवा और ये छठा. ठीक है, क्लियर हो गया. अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज फिल कर रखी है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ से देखिए एक्सरसाइज को फिल अप कर सकते हो. ठीक है, चलो आगे देखिए. ओके, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर है, टॉक इन पेयर्स अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे. अब ये तो आपको आपस में बातें करनी है कि आप एक दिन में डेली क्या करते हो. बिफोर यू कम टू द स्कूल, जब स्कूल आते हो उससे पहले आप क्या करते हो, भाई उठते हो, फिर ब्रश करते हो, वॉशरूम होते हो, ऐसे करके नहाते हो वगैरह, वो सब करना है. ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स यानी कि जब स्कूल में होते हो उस समय पे क्या करते हो. आफ्टर गोइंग बैक होम और वापस घर जाने के बाद आप लोग क्या करते हो, ये आपको आपस में डिस्कशन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज. अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप जो भी आप करते हो ना, आप यहाँ पे इन वाले क्लूज का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो. एंड आपको यहाँ पे तीन सेंटेंसेस बनाए हैं, एक यहाँ बना रखा है मैंने, इसको फिल कर दिया, इसको देख लेते हैं. एवरी डे, हर दिन, आई वोक अप, मैं उठता हूँ एट सिक्स, यानी कि सिक्स पीएम, सिक्स एएम, सिक्स ओ क्लॉक, सुबह सुबह छह बजे. इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह मैं छह बजे डेली उठ जाता हूँ, वोक अप, उठना. देन आई ब्रश माई टीथ, फिर मैं क्या करता हूँ अपनी टीथ पे ब्रश करता हूँ ना, ऐसे ब्रश करते हो फिर आप लोग. एंड गो टू बाथरूम, फिर आप लोग नहाने चले जाते हो. आफ्टर दैट आई टेक अ बाथ, अब बाथरूम में जाओगे तो बात लोगे, नहाओगे. एंड ड्रेसअप फॉर स्कूल, स्कूल के लिए ड्रेसअप करते हो, कपड़े पहनते हो स्कूल के. आई टुक ब्रेकफास्ट, फिर आप नाश्ता करते हो, ब्रेकफास्ट क्या होता है, नाश्ता. एंड देन आई वेंट टू स्कूल, और फिर आप लोग स्कूल चले जाते हो. ऐसे आपको बनाना है कि आप स्कूल के टाइम पर क्या क्या करते हो सेकेंड में, एंड देन आपको बनाना है कि आप थर्ड के टाइम पर क्या करते हो स्कूल के. ठीक है, चलो आगे देते हैं. अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है आपको, इनको पिक्चर्स के थ्रू बता रखा है, और आपको बताना है कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, ऐसे ऐसे. चलो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको इस स्टोरी को समझाती हूँ एक बार. देखो एक बार क्या हुआ कि एक जो चींटी थी, वो चींटी ना चल रही थी नॉर्मल, चलते चलते वो जो चींटी है वो क्या होता है, वो पानी में गिर जाती. जो चींटी होती है वो पानी में गिर जाती. अब चींटी को तैरना नहीं आता तो क्या करे, वो देखती है एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी होती है. वो उस चिड़िया से हेल्प मांगती, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो. तो वो चिड़िया क्या करती है, एक पत्ता तोड़ती है और पत्ते को मुंह में दबाकर उसको पानी में फेंक देती है. तो चींटी क्या करेगी, उस पत्ते पे धीरे करके चढ़ जाती है और वो पत्ते से धीरे धीरे करके किनारे तक
पहुंच जाती है और चींटी बच जाती है, यानी कि उस चिड़िया ने उस चींटी की हेल्प करी। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है, एक बार अब वो चींटी देखती है कि उस चिड़िया पे निशाना बना रहा है कोई। देखो यहाँ पर ना एक हंटर है, हंटर जो शिकारी होता है ना, वो शिकारी उस चिड़िया को निशाना बना रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तो चींटी उसके हाथ पे चढ़ जाती है, उसको काट लेती है। तो चिड़िया ने भी उसकी हेल्प करी, यानी कि आपने स्टोरी में क्या देखा कि एक बार चिड़िया थी, चिड़िया ने चींटी को बचाया क्योंकि चींटी तैर रही थी, धूप रही थी। ठीक है, बाद में उसी चींटी ने जब देखा कि शिकारी उस चिड़िया को मारना चाहता है, उस चींटी ने शिकारी के हाथ पे काटा और चिड़िया को बचा लिया शिकारी से। और बाद में दोनों खुशी खुशी अपने अपने रास्ते चली गई। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो चिड़िया यहाँ पर डूब रही है, उससे पहले देखो चिड़िया जो है पानी में गिर जाती है। एक यहाँ पर पंछी बैठा हुआ है, देखो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट पे, यहाँ पर एक पंछी बैठा होता है तो फर्स्ट हुआ। अच्छा वो पंछी क्या होता है कि देखता है कि भाई जो चींटी है पानी में गिर गई, चींटी पानी में गिर गई, सेकंड हुआ। फिर वो क्या करता है कि इसके बाद ये फर्स्ट ये सेकंड, फिर वो देखता है कि भाई चिड़िया देख रही है कि जो चींटी है वो उससे मदद मांग रही। थर्ड हुआ, अच्छा फिर उसने क्या करा, उसको एक पत्ता दे दिया। इससे देखो उसने मुंह में एक पत्ता लगा रखा है ना, ये पत्ता ये इसने चींटी को दे दिया। तो फोर्थ ये हुआ, अच्छा बार दे दिया तो यानी कि चींटी बच गई, चींटी पहुंच गई वहां तक। फिर उसने क्या देखा, एक बार चींटी ने देखा कि ये जो है जो शिकारी है, ये देखो ये था शिकारी, इसके हाथ में बंदूक है और ये चिड़िया को निशाना बनाना चाह रहा है। तो चींटी ने क्या करा, वो उसके हाथ में चढ़ जाती है, उसे काट लेती है, अच्छा काम करा। और लास्ट में ये लोग क्या करते हैं, आपस में खुशी खुशी एक दूसरे को बाय बाय कर देते। समझ में आया, अच्छी थी ना, छोटी सी स्टोरी थी लेकिन अच्छी थी। ठीक है, ओके चलो आगे देखते हैं। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। अब आपको स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड्स आपको दे रखे हैं आपको इसको फिलअप करना है, फटाफट से करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। ठीक है, और डोव, डोव क्या होता है, एक स्वान जो तैरती है ना, वो वॉज सॉरी डोव क्या होता है हमारा, डोव क्या होता है, हाँ वेरी गुड। ठीक है चलो, अ डोव वाज रेस्टिंग, एक चिड़िया होती है ठीक है, वाज रेस्टिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री नियर अ स्ट्रीम, यानी कि एक जो डोव है हमारी वो बैठी हुई थी एक बार एक पेड़ के पास, ब्रांच यानी कि पेड़ की शाखा कहते हैं, तो पेड़ की शाखा पर एक बार वो चिड़िया बैठी हुई थी नियर स्ट्रीम यानी कि नदी के पास। एंड फेल, बस आपको यही जो ऊपर हमने स्टोरी पढ़ी है ना, ये चिड़िया स्टोव चिड़िया है ऐसे करके, चींटी है चींटी गिर जाती, इसी स्टोरी को आपने अब यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है कि भाई एक बार चिड़िया जो होती है वो शाखा पर बैठी होती है नियर अ स्ट्रीम एक नदी के पास, एक चींटी जो है वो फेल यानी कि गिर जाती है उस स्ट्रीम में एंड क्राइड और रोती है हेल्प के लिए, फॉर हेल्प। डोव ड्रॉप्ड अ लीफ, जो डोव है यानी कि जो चिड़िया है वो एक लीफ को एक पत्ती को ड्रॉप कर फेंक देता है नीचे छोड़ देता है इनटू द स्ट्रीम उस नदी में उस रिवर में। द आंट जो है वो क्लाइम यानी कि आंट जो है जो चींटी है वो उस पत्ती पे चढ़ जाती है, हल्का हल्का करके चढ़ जाएगी उस पत्ती पे और बच जाएगी और लैंड कर जाएगी सेफली। अनदर डे, अगले दिन क्या होता है, जो आंट ने जो चींटी है वो देखती है एक हंटर यानी कि एक शिकारी एम कर रहा है, निशान लगा रहा है उस डोव पे उस चिड़िया पे। शी क्विकली क्लाइम मतलब फटाफट से चढ़ती है कहां पर, उसकी हाथ पर और काट लेती है, बिट का मतलब क्या होता है काटना, द हंटर्स हैंड उसके हाथ पे काट लेती है। तो जो डव है बाद में वो उड़ जाती है फटाफट से और बाद में वो उड़ गई फ्लू यानी कि उड़ना अनहर्ट यानी कि बिना हर्ट हुए बिना उसके लगे वो उड़ जाती है और आपस में दोनों भाई भाई एक दूसरे को बाद में बवाई कर देती है। ठीक है चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही लुक एट दी सेंटेंसेस। अब आपको वो सेंटेंसेस देखने और आपको उसके आगे या तो क्वेश्चन मार्क लगाना है जहां आपको लगे कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या कैसे ऐसे करके, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है और जहां आपको लगे कि आपको कुछ बताया जा रहा है नॉर्मल आपको वहां पे फुल स्टॉप लगा देना है। देखते हैं चलो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो पूरब से उगता है सबको पता है, तो आपने क्या लगाया फुल स्टॉप लगा दिया। वट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आपसे पूछ रहे हैं क्या क्यों कैसे कहाँ कब, तो क्या क्वेश्चन है, तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे मैंगोज खाना पसंद है, ठीक है डॉट लगा दी फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है फिर क्या है, मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, क्या मैं तुम्हारी इंग्लिश की बुक बोरो कर सकता हूँ या तुमसे ले सकता हूँ कुछ समय के लिए, तो क्या मैं तुमसे ले सकता हूँ, है ना, तो क्या आ गया क्वेश्चन आ गया, वहां पर क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। बृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स, बृंदा और नम्रता जो है गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त है, ठीक है फुल स्टॉप।
Whose shoes are these? ये किसके जूते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, क्यों, किसका, किसकी, सब कुछ क्वेश्चन है. तो ये जूते किसके हैं? तो आपके क्वेश्चन मार्क लग गया. ठीक है, चलो आगे देखें. आपको कंप्लीट करना है इन वर्ड्स को. यहाँ पर ये दो बच्चों के बीच में कॉन्वर्सेशन है, बातचीत कर रहे हैं. देखो ये एक लड़की है और एक लड़का, आपस में दोनों दोस्त है या आप नॉर्मल बातें कर रहे हैं फ्रेंड्स से. अब देखो ये लड़की क्या कहती है, नमस्ते आई एम आनंदी. व्हाट इज योर नेम? नमस्ते मेरा नाम आनंदी है, इस लड़के से कह रही है. एंड व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? वो कहता है नमस्ते आई एम ऋषभ. मान लो कोई भी नाम, ऋषभ लिख लो. ठीक है, आई एम ऋषभ, मेरा नाम ऋषभ है. अच्छा, अब लड़की कह रही है आई लिव इन जनकपुरी, मैं जनकपुरी में रहती हूँ. वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हो? अब जो लड़का है वो कह रहा है आई लिव इन उद्योग नगर, मैं उद्योग, मेरे घर के आसपास है सब कुछ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है. आपका जो मन कर रहा है वो लिख सकते हो. ठीक है, आई लिव इन उद्योग नगर, मैं उद्योग नगर में रहता हूँ. आई गो टू, लड़की कह रही है आई गो टू डीपी स्कूल, मैं दीपांशु पब्लिक स्कूल कह लो या फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल कह लो, मैं इस स्कूल में जाती हूँ. अच्छा, लड़का कह रहा है यस आई स्टडी इन दैट स्कूल टू, हाँ मैं भी उसी स्कूल में जाता हूँ. ठीक है, लड़की कह रही है इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? लड़का कह रहा है आई एम इन क्लास थर्ड ए. आप लोग भी थर्ड में हो ना, लड़का भी यही कह रहा है आई एम इन क्लास थर्ड ए या बी सेशन जो भी हो. विच क्लास? अब लड़का इससे पूछ रहा है भाई आप किस क्लास में हो, विच क्लास यू आर इन, आप किस क्लास में हो? लड़की कह रही है आई एम इन क्लास थर्ड बी. वो कह रही है भाई आप थर्ड ए में हो लेकिन मैं थर्ड बी में हूँ. नाइस मीटिंग यू. लड़का कह रहा है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. सी यू इन स्कूल टुमारो, चलो कल तुम्हें स्कूल में देखते हैं, कल स्कूल में मिलते हैं, ऐसे करके. ठीक है, समझ में आ गया. अब लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर देखो एक पिक्चर दे रखी है, इसमें आपको दिखाया गया कि तीन बच्चे हैं, एक दो और ये तीन, ये तीन बच्चे खेल रहे हैं. क्या आप इस पिक्चर में कुछ ऐड करना चाहोगे? देखो काफी खाली पिक्चर है ना, तो आपसे बोल रहे हैं कि आप क्या इस पिक्चर में कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ ड्रॉ करना चाहते हो, तो आप क्रेयॉन से कलर पेंसिल्स वगैरह से ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, क्लियर हो गया. तो देखो बच्चों आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, इसका चैप्टर, इसकी एक्सरसाइज हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है विद क्वेश्चन आंसर. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो. वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन आपका चैप्टर एक्सरसाइज सब कुछ कंप्लीट हो गया है. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी. अच्छी लगी लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो प्लीज करना, वरना मुझे ऐसा मोटिवेशन नहीं लगता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं. देखो मैं सच बताऊं अभी रात के लाइक देखो ये 11:15 बज गया रात के, ठीक है, बट स्टिल मुझे आप लोगों के लिए वीडियोस बनानी, तो वो बना रही हूँ. प्लीज आप लोग मुझे मोटिवेट रखो ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं. तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बस इतना तो आप लोग कर सकते हो ना मेरे लिए. चलो ठीक है, ओके बच्चों, सुनते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड बाय बाय.